अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा बच्चों, आप लोगों का जो वाइवा रखना है मैंने, वो जाएगा जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा उसका जो वीकेंड बनेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो उसका भी है मेरे माइंड में। तो आप लोग जो है, आप लोगों से मैं कोऑर्डिनेट करूंगी उन दिनों में कौन सी स्लॉट्स फ्री हैं। थर्सडे को तो हमारा लेक्चर होता है लेकिन फ्राइडे सैटरडे को नहीं होता। वाइवा में 12 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, मैं आप लोगों को ऑब्वियसली मेल करूंगी, पूरा प्लान बना के फिर डिसाइड होगा, लेकिन 12 तक लेक्चर्स थे। अच्छा आज का लेक्चर करते हैं, उसके बाद फिर हम असेसमेंट की तरफ जाएंगे। लेक्चर एक्चुअली जो मैम, है मतलब, हाँ बोले। मेरा ना जो सेक्शन बी है आपका, उसमें भी नाम ऐड है आयशा जमशेद। मैंने कल परसों लिस्ट में देखा है जो आपने भेजी है ना, सीपी के जो मार्क्स लगाए हैं, तो उसमें बी मेरा नाम है। और लेकिन मैं हूँ इस सेक्शन की। आयशा जमशेद जी बच्चे, असल में जो लिस्ट मुझे मिली हुई है ना उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं होता, बच्चे बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर मैं उनको नहीं निकालती हूँ। बट ऑब्वियसली आई विल फिगर इट आउट, कुछ लोग मैंने क्रॉस किए हैं इसी वजह से, लेकिन वो फिर मिस ना हो जाए इसलिए मैं लिस्ट में ऐड कर देती हूँ। ओके ठीक मैम। है, मैं आपको उसमें से माइनस कर दूंगी। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कोई इशू हो आवाज का या कोई बात समझना है तो आप पूछ लीजिएगा। एक मिनट बच्चों, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, इट इज सम इशू। इम्यूनोग्लोबुलिन की एग्जाम्पल लाइक आपने बताना है IgG किस में होगी, IgA किस में प्रेजेंट होती है, तो एक उसको मेंशन करना है आपने, एग्जाम्पल का ये मतलब था। अच्छा मेरा डॉक्यूमेंट नहीं शेयर हो रहा था। आप लोग को नजर आ रहा है स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम, मैम शो हो रही है। अच्छा जी चले।
Let's get started with the lecture. So today's lecture is about the chromosomal disorders. Kuch hum chromosome abnormalities discuss karein. First one is Down syndrome. It is most commonly occurring chromosomal disorder, very common in our society or population. And it is the abnormality which is characterized by the presence of an extra copy of genetic material on chromosome 21. So aapke somatic chromosomes hote hain aur jo hai wo gametes hote hain, germ cell chromosome hote hain. So yahan pe jo problem hai, that will be in the somatic chromosome, chromosome number 21, either in the whole trisomy 21 puri copy ban jayegi aur ya phir as in ek part mein chromosome ke ek part mein problem ho sakti hai, like translocation isko kehte hain. एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा. सो ट्राइसोमी 21 जो है दैट इज आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और साथ में आपका एक एक्स वाई या एक्स एक्स होगा इन द फीमेल. सो इसमें जो है वो सोमैटिक 46 नहीं होती, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है. सो इट्स गोइंग टू बी 47 एक्स वाई प्लस 21 जो है वो आप हैप्लॉइड को कहते हैं और 27 आपका डिप्लॉयड नंबर है. It is caused by meiotic non-disjunction. Increased maternal age के साथ Down syndrome के chances increase हो जाते हैं. And maternal meiotic non जो meiosis हो रहा होता है आपका, उसमें जो है वो non-disjunction हो जाती है. So you just should know कि it is trisomy 21, आपका somatic chromosome है trisomy 21, 47XY. अब इसके characteristics क्या हैं? ये पता होने चाहिए. मेंटल रिटार्डेशन होगी, लार्ज फोरहेड, ब्रॉड नेजल ब्रिज, वाइड स्पेस्ड आईज, जो दोनों आईज उनके दरमियान स्पेस नॉर्मल से ज्यादा होती है और इसको हम हाइपरटेलोरिज्म भी कहते हैं. एपिकेंटल फोल्ड आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, जो आपके आई के बिल्कुल साथ होते हैं, फोल्ड होते हैं, वो इनमें प्रोमिनेंट हो जाते हैं इन बच्चों के अंदर. So that is the skin fold around the eye. Large protruding tongue hogi, small low set ears. So level of the ear hoga, that will be below the normal. Iris mein white color ke spots hote hain, isliye eyes jo hai wo thodi si jo eyeball hoga usme whitish color nazar aa raha hota hai ya spot nazar aa rahe hote hain. Un spots ko hum brush field spots bhi kehte hain. शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स होंगे, कर्वेचर ऑफ फिफ्थ फिंगर जो है वो कर्व्ड होगी, सिंगल पाल्मर क्रीज होगी, इसको हम सिमियन क्रीज कहते हैं. आपके हैंड के ऊपर देयर आर नंबर ऑफ क्रीजेस, ठीक है, और जो आपकी मेजर क्रीज होती है वो टू प्रोमिनेंट होती है, उसकी जो है वो सिंगल क्रीज होती है. स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज ज्यादा होगी, वाइडली स्पेस्ड होगी, प्रोमिनेंटली स्पेस नजर आएगी. So this is a typical picture of a baby with Down syndrome. हम शुरू से start करते हैं from the top right. Broad flat face होगा, slanting eyes होंगी, जो upward slanting eyes होती हैं इसकी ऊपर की तरफ होंगी थोड़ी सी. Epicanthic folds होंगे, skin tag होगा, short nose होगा, broad nasal bridge होगी हम पढ़ चुके हैं और space between the eyes ज़्यादा होगी. Short and broad hands होंगे, small and arched palate, big wrinkled tongue होगी, protruding tongue होती है usually इन बच्चों की, dental anomalies भी होंगी. उसके बाद congenital heart disease हो सकते हैं ऐसे बच्चों में, enlarged colon हो सकती है, और end पे देखें big toes widely spaced, first and second के दरमियान space ज्यादा होगी. Moving on to the top left. ग्रोथ फेलियर होगा जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होगी, फ्लैट बैक ऑफ हेड, एबनॉर्मल ईयर्स, लो सेट ईयर्स होंगे, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स. दिस नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, पाल्मर क्रीज इम्पॉर्टेंट है. एंड यूनिलैटरल और बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब हो सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, एम्ब्लाइकल हर्निया हो सकता है, जो एम्ब्लाइकस होता है उसकी हर्निएशन हो सकती है, दैट इट प्रोट्रूड्स आउट फ्रॉम द कैविटी.
एबनॉर्मल पेल्विस हो सकता है ऐसे बच्चों का, और डिमिनिश्ड मसल टोन हो सकती है। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो स्लाइड के अंदर जो मेंशन की हुई हैं, एटलीस्ट वो आनी चाहिए। ये जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमने पढ़ा अभी, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज हो सकते हैं, एम्ब्लाइकल हर्निया हो सकता है, एक्यूट लिकीमिया हो सकता है। एक्यूट लिकीमिया ऐसी कैंसरस कंडीशंस ऑफ द WBCs, और अल्जाइमर डिजीज क्योंकि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, सो इसमें अल्जाइमर डिजीज भी डिवेलप हो सकता है। मेटर्नल स्क्रीनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें ट्रिपल स्क्रीनिंग करते हैं हम और क्वाड्रपल होती है। ट्रिपल में तीन टेस्ट आते हैं, अल्फा फीटो प्रोटीन इसमें लो होता है, ह्यूमन कुरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नॉर्मल से काफ़ी हाई में आएगा, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राइओल जो एस्ट्रोजन की एक फॉर्म होती है दैट विल बी लो। दीज थ्री टेस्ट आर कॉल्ड एज ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट। और अगर हम इसमें एक और टेस्ट ऐड कर दें विच इज सीरम इनहिबिन ए, वो काफ़ी हाई आएगा। इनहिबिन ए जो होता है वो प्लेसेंटा से बन रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो वो एबनॉर्मली हाई होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रिपल स्क्रीनिंग व्हाट इज क्वाड्रपल स्क्रीनिंग, तो आपने ये टेस्ट बताने हैं। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ डाउन सिंड्रोम बेबी, ठीक है। इसमें इसका लार्ज फोरहेड है, अप स्लैंटिंग आइज हैं, थोड़ी ऊपर की तरफ है, एपिकेंथल फोल्ड्स भी हैं इसमें, और हाइपरटेलोरिज्म है, स्पेस बिटवीन द टू आइज ज़्यादा है, ब्रॉड नेजल ब्रिज नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये भी डाउन सिंड्रोम की पिक्चर है, इसमें वही फीचर्स, और इसके हैंड पर देखिए एक सिंगल क्रीज है, इसको हम सिमियन क्रीज कहते हैं, शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स है। अच्छा, इन बच्चों में शॉर्ट स्टर्नम हो सकती है और फिंगर नेल्स अंडर डिवेलप्ड थंब होगा और स्मॉल फिंगर एंड नेल्स होंगे। क्लब फीट जो है वो सब में नहीं होता लेकिन हो सकता है। सो बेसिकली क्लब फुट जो है इट इज़ अ डिफॉर्मिटी इन विच एन इन्फेंट्स फुट इज टर्न्ड इनवर्ड, ठीक है। उसके जो टोज हैं वो अंदर की तरफ मूव कर गए हैं, ऑफन सो सिवियरली दैट द बॉटम ऑफ द फुट फेस इज साइडवेज और इवन अपवर्ड। नेक्स्ट वन इज एडवर्ड सिंड्रोम। Edwards syndrome is a chromosomal abnormality characterized by the presence of an extra copy of genetic material on chromosome number 18. ठीक है, वो ट्राइसोमी 21 थी और इसमें 18th क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी है। आइदर द होल ऑफ द क्रोमोजोम या फिर पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम विल बी इन्वॉल्व्ड। सो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 18 27 XX plus 18. सो नॉर्मली 46 है, इसमें 47 हो जाएंगे और ट्राइसोमी at chromosome 18. So what are the characteristics of Edwards syndrome? इसमें prominent occiput होगा, ठीक है। occiput आपकी skull की bone का एक prominence होती है back पे, that will be more prominent. Micronathia, micronathia कहते हैं small lower jaw को, जो mandible होता है that will be small. Low set ears होंगे। इसमें एक important feature है rocker bottom feet, उसमें क्लब फुट हो सकता था, ठीक है, और वो इतना कॉमन नहीं है कि सब में हो, लेकिन रॉकर बॉटम फीट जो है वो कॉमन होता है इस सिंड्रोम में। विच इज़ ए कंजेनिटल फुट डिफॉर्मिटी इन विच द सोल ऑफ अ चाइल्ड फुट फ्लेक्सेस एबनॉर्मली इन अ कन्वेक्स पोजीशन गिविंग द फुट अ रॉकर बॉटम अपीयरेंस। ये हम आगे पिक्चर में देखते हैं। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स, जो इंडेक्स फिंगर होती है वो थर्ड और फोर्थ फिंगर को ओवरलैप कर रही होती है, ये भी एक कॉमन डिफॉर्मिटी है इस सिंड्रोम की। एंड कॉम्प्लिकेशन में कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। मूविंग ऑन टू द टॉप राइट, ऑक्सीपिट या बैक पार्ट ऑफ द स्कल बहुत प्रोमिनेंट होगा इनमें, मैलफॉर्म्ड ईयर होंगे, ये है जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, क्लेंच्ड हैंड्स विद ओवरलैपिंग फिंगर्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। और ये जो आपको फुट पे नज़र आ रहा है फ्लेक्स्ड बिग टो प्रोमिनेंट हील्स, ये रॉकर बॉटम फीट है। ऊपर जाएं अगर आप लेफ्ट टॉप पे,
स्मॉल माउथ या स्मॉल जॉ होगा जिसको हम माइक्रोनेथिया कहते हैं, शॉर्ट नेक होगी, शील्ड चेस्ट जो होती है ब्रॉड चेस्ट होती है, एंड शॉर्ट एंड प्रोमिनेंट स्टर्नम हो सकती है, एंड द स्पेस बिटवीन द निपल्स इज एब्नॉर्मली वाइड क्योंकि ब्रॉड चेस्ट होगी. This is the finger deformity that can occur in the Edwards syndrome. ये rocker bottom feel होते हैं. इसमें इसकी basically flexion हुई भी है. Next one is Patau syndrome. Patau जो होते हैं वो trisomy 13 को हम कहते हैं और इसकी characteristics में important है ये microcephaly होती है as इनके शॉर्ट हेड स्मॉल हेड इसको आप कह सकते हैं होगा, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है. क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, बेसिकली इट इज एन ओपनिंग और स्प्लिट इन द रूफ ऑफ द माउथ दैट अकर्स व्हेन द टिश्यू डजंट फ्यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ. तो इसमें गैप आ जाता है रूफ ऑफ द माउथ में जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे क्योंकि आपका रूफ ऑफ द माउथ सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट से बना होता है. तो उसमें जो डिफेक्ट होगा दैट विल बी क्लेफ्ट पैलेट. और क्लेफ्ट पैलेट यूजली अलॉन्ग विद द स्प्लिट इन द अपर लिप होता है जिसको हम क्लेफ्ट लिप कहेंगे. बट जरूरी नहीं है कि क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप जो है वो को एग्जिस्ट करें. पॉलीडेक्टिली होगी, इसमें पॉलीडेक्टिली में जो है वो द पर्सन इज हैविंग द एक्स्ट्रा फिंगर्स और द टोज, इसको हम पॉलीडेक्टिली कहते हैं. Dactyly for the digits that can be finger or the toes, or poly का मतलब होगा multiple या extra जो आप कह रहे हैं. This is the picture of Patau syndrome. इसको यहाँ पे cleft palate along with the lip palate जो है वो sorry lip cleft जो है वो आपको नजर आ रहा है. इसको आप surgically जो है वो treat करते हैं. ये picture हम देख चुके हैं already. अच्छा, मूविंग ऑन टू एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें जो है वो जेंडर का इशू का ऑब्वियसली क्योंकि इसमें सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, सो दैट इज 47XXY. इसमें सोमैटिक क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं है, 2X क्रोमोसोम एंड 1Y इज द क्लाइनफेल्टर. अब इसके सिम्टम्स और साइंस क्या आते हैं, इसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज होंगी. So Klinefelter syndrome occurs in male and detected at puberty. So jab wo it will look like a male but usme problems kya develop hongi, isme small testes hongi, lack of testosterone, ek x chromosome zyada hai isme, gynecomastia hoga jisme a female like chest appearance hogi iski, micropenis hoga, reduced facial and body hair and infertility. तो जो भी उसके मेल फीचर्स होंगे, लैक ऑफ टेस्टोस्टेरॉन होगा उसकी वजह से उसमें फीमेल की तरफ जाएगा वो. लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी मेंटली, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. और इसकी जो आकरेंस है दैट इज 1 in 500 to 1,000 न्यू बॉर्न मेल्स में ये होता है. सो हियर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स व्हिच इज 47XXY एंड इट इज कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ XX homologous chromosome. So it is the Klinefelter क्या होता है, male phenotype होगी इसकी, atrophic testis that is infertile होगा, tall stature होगा, gynecomastia, decreased testosterone and male infertility. Moving on to Turner syndrome, ये females की तरह लगेंगी, ठीक है, ये फीमेल डिसऑर्डर. इसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, सो मिसिंग होगा तो 46 नॉर्मली होते हैं, 45 हो जाएंगे जिसको हम एक्स जीरो क्रोमोसोम में लेके जाएंगे. 1X क्रोमोसोम इज मिसिंग एंड देयर इज डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, शॉर्ट स्ट्रेचर एंड वेब नेक्ड. ये बहुत ही टिपिकल अपीयरेंस होती है कि वो शॉर्ट स्ट्रेचर और वेब नेक की होती है, छोटी सी नेक होगी उसकी. इन्फेंटाइल जेनेटिलिया, इन्फेंटाइल जेनेटिलिया जो कि अनडेवलप्ड होंगे जेनेटिलिया, शील्ड लाइक चेस्ट, वाइडली स्पेस निपल्स, लिम्फ एडिमा ऑफ द लिम्स एंड नेक कैन बी प्रेजेंट.
दैट इज किसके लिम्फैटिक्स जो है उसमें उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और एडिमा हो सकता है. कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा दैट इज एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जिसमें आपको पिक्चर नजर आ रही है, उसमें एओर्टा का एक पार्ट जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसको हम कोआर्कटेशन कहेंगे. एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन, सो दैट इज एन अपीयरेंस ऑफ द टर्नर सिंड्रोम. If you move on to the upper right, characteristic facial features क्या होते हैं, facial expressions होते हैं like this, ठीक है. Fold of the skin, webbed neck होगी इसमें, ठीक है, short stature होगा. And congenital heart disease में constriction of the aorta होगी. Shield shaped thorax होगा, वाइड चेस्ट होगी और वाइडली स्पेस निपल्स होंगे. पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी. एल्बो डिफॉर्मिटी होती है, इसमें कैरिंग एंगल होता है उसमें चेंज होता है. सो यू शुड नो कि एल्बो डिफॉर्मिटी भी है इसके अंदर. और रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, अंडर डिवेलप्ड गोनेडल स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन. शॉर्टेंड मेटाकार्पल फोल्ड, जो फोर्थ मेटाकार्पल होती है इसमें, that will be shortened, small fingernails होंगे और brown spots हो सकते हैं इसके पूरी body पे, जिसको हम नेवाए कहते हैं. So the things you should know about this syndrome, the slides में mentioned है, आपको ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए, इसके characteristics. Moving on to XYY syndrome, as you can see, YY का मतलब एक extra Y chromosome है. क्लाइन फिल्टर में क्या था, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम था, और जो टर्नर है उसमें एक क्रोमोजोम मिसिंग है, और एक्स वाई वाई में एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम है. सो इट इज अ जेनेटिक कंडीशन इन विच अ ह्यूमन मेल हैज एन एक्स्ट्रा मेल वाई क्रोमोजोम, गिविंग अ टोटल ऑफ 47 क्रोमोजोम्स इंस्टेड ऑफ द मोर यूजुअल 46. सो कैरियोटाइप इसकी 47XYY होगी, एंड इट अकर्स इन एवरी 1 in 1000 मेल बर्थ्स, ठीक है. बट डाउन जो है वो ज्यादा कॉमन है. एंड क्लाइनफेल्टर. XYY सिंड्रोम की कोई कॉज नहीं पता ऐसे स्पेसिफिक, बट ऐसे जो सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स होते हैं, दे हैव क्रिमिनल एग्रेसिव बिहेवियर, दे आर वेरी टॉल, एंड सिवियर एक्नी इज वन ऑफ द फीचर. इसको हम सुपर मेल सिंड्रोम भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा वाई. इफेक्टेड इंडिविजुअल्स दे यूजुअली वेरी टॉल एंड थिन. एडिशनल सिम्टम्स में इंक्लूड एंटी सोशलिज्म और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज. इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, बट उनका IQ ऑन एवरेज होता है, जो उनके सिबलिंग्स होंगे नॉर्मल सिबलिंग्स उनसे 10 to 15 पॉइंट्स नीचे आएगा. सो एवरेज IQ एंड इंटेलिजेंस नॉर्मल. एग्रेशन बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है. द वाई क्रोमोजोम सीम्स टू बी लिंक्ड विद एग्रेशन ड्यू टू नॉट प्रॉपरली डिवाइडिंग स्पर्म्स जो है उसमें जो बनेंगे उसमें क्या होगा, प्रॉपर डिविजन नहीं होंगी. एंड अ फ्यू मैन विद XYY एंड देयर इज हाई चांस ऑफ बीइंग मोर एग्रेसिव देन द नॉर्मल मैन. So that is one of the trait of XYY or unki learning behavioral disabilities, aggression. और इसके अलावा इसके अंदर और कोई इतनी abnormalities जो है वो शो नहीं होती, जैसे अभी इतनी क्लाइन और टर्नर तो काफी सारी पड़ी हैं, बट इसमें जो है वो कुछ चीजें याद होती हैं. चलो जी, तो or that is the end of today's lecture. Koi question hai to pooch le. Main attendance hogi. नहीं बच्चे, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग पे देख के लगाऊंगी मैं. चलिए फिर असेसमेंट की तरफ चलते हैं.
पहले ग्रुप वन जो जिनको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मैंने दिया था, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक पे जाएंगे। मिस इनका नहीं है वो लीव कर दे मीटिंग। हाँ जी वो जा सकते हैं, एक अटेंडेंस में लगा दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हैं फिजा नवीद। यस मैम। आप मुझे बताएं कि क्लासिकल पाथवे कैसे इनिशिएट होता है? क्लासिकल पाथवे एक डिफेंसिव सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ 30 प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड फाउंड इन सर्कुलेटिंग सीरम। और ये कास्केड सिस्टम कंप्लीमेंट वर्क एज अ कास्केड सिस्टम। कास्केड इज व्हेन अ वन रिएक्शन ट्राइगर्स अनदर रिएक्शन व्हिच ट्राइगर्स अदर। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली वेरी फास्ट। बच्चे मैंने आपसे क्या पूछा, मेरा क्वेश्चन क्या था? मैम अगेन पूछिए। मैंने पूछा क्लासिकल पाथवे जो है व्हिच इज अ कॉम्प्लीमेंट पाथवे। क्लासिकल पाथवे इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस। कैसे होता है बच्चे, कैसे उसमें कैस्केड स्टार्ट होती है? C1 एक्टिवेट होता है, बिल्डिंग ऑफ C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, व्हेन पहले आता है C1 जोन से है, वो C2 के साथ C1 पार्ट करता है C2 और C4 में, देन C2 जो है वो C2A और C2B में कन्वर्ट होता है, C4B और C4 इनटू C4B C4A और C2A। मुझे ये बताएं व्हाट इज द रोल ऑफ C3B। C3B मैंने C3B मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। C3B बाइंड होगा टू द कोर सरफेस ऑफ बैक्टीरिया और ऑप्समिन C3B ऑप्समिन होगा। C3B इज ऑप्समिन। व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? हाँ जी फिजा बताएं व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन। गाजिया वसीम, इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूं आप लोगों का। गाजिया वसीम। यस मैम। हाँ जी, आप मुझे बताएं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? मैम ये क्लासिकल पाथवे में जो है वो फॉर्म करता है C5P जो है वो बाइंड करेगा C6 के साथ और उसके साथ बाइंड करेगा C7, वो एक्टिवेट करेंगे C8 को और मैंने C9 उसके अराउंड जो है वो अटैच होके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स? अब बन गया, अब आगे क्या होगा? मैम ये बेसिकली साइटोलाइसिस करवाता है जिसमें लॉस ऑफ सेलुलर कंटेंट होता है थ्रू मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसमें साइटोप्लाज्म रशेस आउट करता है एंड वाटर रश इन करता है। चलो ठीक है, गुड, यू कैन गो। नेक्स्ट है हादिया आबिद। यस मैम। आप मुझे बताएंगे कि व्हाट डज अ कैस्केड सिस्टम मीन? हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कैस्केड सिस्टम है, इसका क्या मतलब है? मैम कैस्केड सिस्टम में जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं अपर केस लेटर सी, उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाते हैं जब तक ये दूसरे प्रोडक्ट फिट नहीं करता, जैसे C1B। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ जी बोले। मेरी लाइट से ऑफ हो गई थी सुनाते सुनाते, अब मैंने UPS पे लगाया। वेट करें ना, मैं वाइवा ले रही हूँ ना एक बच्ची का। ओके मैम, आप मेरा लास्ट में ले लेंगी? हाँ आप थोड़ा सा वेट कर लें। हादिया आबिद। यस मैम। मैं आपसे कोई और क्वेश्चन करने लगी हूँ, ठीक है? आपने मुझे बताना है व्हाट इज ऑल्टरनेटिव पाथवे, इसके कंपोनेंट्स बता दें। मैम इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, C3 और B एंड D, जिसमें इसमें एक और भी प्रॉपर प्रोटीन भी होता है इसमें सी। मैम इसकी अब बिल्डिंग बता दूं या उससे आगे भी एक्सप्लेन कर दूं? कैसे होगा?
इसके स्टेप्स क्या होते हैं? ओके मैम, इसमें C3 जो है सबसे पहले हाइड्रोलाइज करेगा C3B के साथ, फिर अटैच हो जाएगा एक सरफेस के साथ. उसके बाद जो हमारे पास फैक्टर बी होता है वो बाइंड कर जाता है C3B के साथ. फिर प्रॉपर बर्डिंग की बाइंडिंग होती है जो स्टेबलाइज करता है, कन्वर्टेज करता है. फिर C3B जनरेट होगा जिससे C3 बाइंड होगा. उसके बाद एक्टिवेशन होगी C5 और C5 बी की, जिसके बाद ये एंटीजेनिक सरफेस के साथ जो है C5B हमारा वो बाइंड कर जाएगा. आप मुझे बताएं C5 कन्वर्टेज कैसे बनता है, इसमें इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? हम C5 में C3B पहले बाइंड करेगा C2B के साथ और C4B के साथ. ये एक न्यू कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो रेफर करेगा C5 की एक्टिवेशन के साथ. अल्टरनेटिव पाथवे पूछ रही हूँ आपसे मैम, उसमें C5 ही बता रही हूँ. हाँ, तो इसमें फैक्टर्स भी होते हैं ना, फैक्टर बी एक्टिवेटेड फैक्टर बी भी होता है, आप ठीक नहीं बता रही ना. मैम वो एक्टिवेशन में C5 होगा, C5B जो है वो बाइंड करेगा एंटीजेनिक सर्विस के साथ. C5 कन्वर्टेज या C5 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो किससे बना हुआ होता है? इफ कैन यू कैन आंसर इट देन डू. C5A मैम बाइंड करेगा मास सेल्स के साथ और इंक्रीज भी करता है इन्फ्लेमेशन को. अच्छा, मिक्स कर रही हो. अच्छा, आप मुझे ये बताओ ऑप्शनाइजेशन क्या होती है? मैम ऑप्शनाइजेशन जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया और फेगोसाइट दोनों को बाइंड करते हैं, और इसमें ये फेगोसाइट्स को भी इंक्रीज करते हैं बाय फोल्ड ऑफ 1000. एग्जांपल दे सकती हो ऑप्शन इन की? ऑप्शन इन की एग्जांपल मैम नो, मुझे नहीं. अच्छा चलें ठीक है, आप जा सकती हैं. हाँ जी फिजा नवीद मैम, आप मुझे एक क्वेश्चन बता दें. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉपर डीन इन अल्टरनेटिव पाथवे? फोर कंपोनेंट्स होंगे इसमें, फैक्टर बी C3 और प्रॉपर डीन. यस मैम, मैं बताने लगी. इसमें ये होगा कि C3B बाइंड पहले होगा स्पॉन्टेनियसली, C3B फ्रेगमेंट अटैच टू द फॉरन सब्सटेंस. देन ये आएगा फैक्टर बी बाइंड होगा C3B के साथ, साइट एक्टेड बाय द फैक्टर डी. देन ये क्लीवेज होगा जनरेटिंग टू C3B विच हैज C3 कॉन्ट्रावेज. देन ये बाइंडिंग प्रॉपर डीन होगा, स्टेबलाइज कॉन्ट्रावेज हो जाएगा, और फिर ये उसके बाद कॉन्ट्रावेज जनरेट होगा C3B. सम बाइंड्स करेंगे C3 के साथ कॉन्ट्रावेज एक्टिविटी, देन ये C5 binds antigen surface हो जाएगा. बच्चे आप कैसे जवाब देती हो? आपसे मैंने एक सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, प्रॉपर डीन का रोल क्या है? मैम ये बाइंड करेगा स्टेबलाइज कॉन्ट्रावेज को, स्टेबलाइज करने के लिए. कन्वर्टेज, बच्चे इसको कन्वर्टेज बोलना है, ठीक है? यस मैम सॉरी. हाँ चले ठीक है, ओके थैंक यू. नेक्स्ट है जी हाजरा तारिक. यस मैम. आप मुझे बताएं व्हाट इज C5 कन्वर्टेज इन अल्टरनेटिव पाथवे? मैम C5 कन्वर्टेज, मैम C5 कन्वर्टेज जो है C3B से C2B और C4B के कंबाइन होने से C5 कन्वर्टेज बनता है. मैम C5A और B का फंक्शन भी बताना है. बच्चे आप लोग क्यों मिक्स कर रहे हैं क्लासिकल और अल्टरनेटिव पाथवेज को? यस मैम, जिससे भी मैं पूछ रही हूँ, मैं एक्टिवेशन पूछती हूँ, मुझे क्लासिकल पाथवे बताना शुरू कर देते हैं. आप लोग कैसे पढ़ के आए हैं? यस मैम. चलिए मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द रोल ऑफ C5A? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. रोल ऑफ C5A इन क्लासिकल पाथवे? आवाज आ रही है मैम? C5 जो A है वो डिस्पर्सेस अवे फ्रॉम द बैक्टीरिया, वो मास सेल से बाइंड करेगा और मैम जो C5A है दैट डिस्पर्सेस अवे फ्रॉम बैक्टीरिया और वो बाइंड करेगा मास्टर को और कीमोट है लीकोसाइट्स.
मास हेलो से बाइंड करके क्या रिलीज करवाएगा जिससे इन्फ्लेमेशन मैम हिस्टामाइन को रिलीज करवाएगा मैम हिस्टामाइन को अच्छा और C3B का क्या रोल होता है मैम जो C3B होता है मैम जो C3B है दैट इज एन ऑप्सिनन और ऑप्सिनन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाइंड करते हैं बैक्टीरिया और फेगोसाइट से और ये इंक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस को 1000 फोल्ड्स पे और ये जो है ये बाइंड करते हैं कोट करते हैं सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया को पे चले ठीक है आप जा सकती हैं नेक्स्ट है हंजला जाहिद यस मैम मैम आवाज आ रही है आप मुझे बताएं हाँ जी आ रही है आप हंजला ही है यस मैम अच्छा आप मुझे बताएं व्हाट इज इट कैस्केड सिस्टम मैम किसके सिस्टम जो है वर्क कॉम्प्लीमेंट के वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट करता है और इसमें जो होता है कि वन रिएक्शन ट्रिगर है अदर रिएक्शन और उससे आगे भी सो ऑन रिएक्शन होते हैं और इस टाइप के रिएक्शन जो होते हैं ना बहुत मतलब के फास्ट होते हैं और इसका जो नेक्स्ट मुझे ये बताएं कि एंटी बॉडी और एंटीजन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस पाथवे में बनेंगे मैम ये बेसिकली क्लासिकल पाथवे में बनते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स व्हाट इज MASP 1 एंड 2 MASP 1 एंड 2 क्या होता है मैम MASP अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्लासिकल पाथवे में C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है क्लासिकल पाथवे में C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं कैसे बनता है मैम C2B और C4B वो बाइंड हो जाती हैं सरफेस पे तो C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है और C3 जो A होता है इसका क्या रोल होता है फंक्शन क्या है C3A मैम C3A जो होता है इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी मतलब के इन्फ्लेमेशन होती है तो नो C3A जो होता है वो बाइंड करते हैं मैसल से और हिस्टामाइन रिलीज करवाते हैं और जो होते हैं ना ये इन्फ्लेमेशन को वो करता है चलें ठीक है यू कैन गो नेक्स्ट है हिना अब्बास अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम सलाम आप मुझे स्टेप्स बता दें अल्टरनेटिव पाथवे के सॉरी मैम स्टेप्स ऑफ alternative pathway जल्दी बताना है मैम देयर आर इतना टाइम नहीं है बच्चे चलें आप मुझे बताएं व्हाट इज MASP 1 एंड 2 मैम मैंने मैम मेनिन मैम ये उसमें होता है लेक्टिन पाथवे में मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन सेरीन प्रोस्टेज 1 एंड मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन सेरीन 2 इसका रोल क्या है मैम ये जो है लेक्टिन पाथवे में रिस्पॉन्सिबल होती है क्लीविंग के लिए C4 और C2 फ्रेगमेंट्स के लिए टू फॉर्म कन्वर्टेज 3 C3 जो लेक्टिन पाथवे होता है वो
इनिशिएट होना होता है किसी कॉम्प्लेक्स के बनने से, जिसमें एमएएसपी 1 और 2 भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। आप मुझे वो कॉम्प्लेक्स बताएं कि कौन किससे बाइंड करेगा और फिर ये पाथवे स्टार्ट होगा। वो आइडिया नहीं है। चलें ठीक है, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है हिरा बिंते रजा। यस मैम। आप मुझे बताएं हाउ इज लेक्टिन पाथवे इनिशिएटेड। मैम जो MBL है, मेनोन बाइंडिंग लेक्टिन, जो दो टारगेट सेल्स के साथ अटैच होते हैं सिराइन प्रोटीएज MASP1 MASP2 को, फिर ये जो है दोनों C1 की तरह एक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये इनिशिएट होता है। अच्छा, MBL MASP1 और 2 से बाइंड होता है और इसके अलावा किससे बाइंड होगा? तीन कंपोनेंट्स होते हैं, आपने दो बताए हैं जिससे ये इनिशिएट होना है। व्हाट इज द रोल ऑफ MBL? MBL का रोल क्या होता है, क्या करता क्या है MBL, क्या है? मैम ये कॉम्प्लेक्स बनाता है MASP1 और MASP2 के साथ, जब ये टारगेट सेल के साथ अटैच होगा फिर ये दोनों जो है बाइंड करेंगे, फिर C1 की तरह एक्ट करेंगे। पैथोजन के साथ अटैच होता है ये? यस मैम, पैथोजन सरफेसेस पे अटैच होगा। किसके थ्रू अटैच होता है? सॉरी मैम, पैथोजन कोई भी हो सकते हैं, इनमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, सेल्मोनेला, लिस्ट्रिया और नेजेरिया, हमारे पास वायरसेस भी हो सकते हैं। ठीक है हिरा, आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है हिरा तबस्सुम। यस मैम। आप मुझे बताएं हाउ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इज बिल्ड अप। मैम बेसिकली membrane attack complex is built up by the when C5b jo protein hai hamare paas wo bacteria ki jo surface hai uske sath bind karti hai, aur matlab bind bacteria ki surface ke upar jo hota hai wo C6 ke sath bind karega, aur jo further C6 hai wo aage C7 ke sath C7 AC8 aur C8 many C9s ke sath bind karta hai, aur wo matlab ek complete ek circular structure banate hain together which is called as membrane attack complex. What is cytolysis? Ma'am, cytolysis is basically the breakdown of cell in which cell contents hote hain jo basically wo cell se release ho jate hain, jis wajah se cell lysis hoti hai, cell breakdown ho jata hai. Chale theek hai, aap ja sakte. Okay ma'am. Next hai ji Hussain Ahmed. Hussain Ahmed. एब्सेंट है ये। नेक्स्ट इकरा जमील। यस मैम। हाँ जी इकरा, आप मुझे बताएं व्हाट आर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इकरा जमील। यस मैम। मैम ये तो इसके 4 फंक्शंस होते हैं, एक तो ये लाइसिस करवाता है और ऑप्सोनाइजेशन करवाता है और इन्फ्लेमेशन करवाता है और क्लियरेंस ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज C3 कन्वर्टेज इन अल्टरनेटिव पाथवे। मैम C3 कन्वर्टेज मैम ये इसमें एक्टिव होता है और इट एक्टिव के C3A और C3B में कन्वर्ट होता है, और C3B है वो ऑप्सोनिन करवाता है और बहुत से जो फैगोसाइट और बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। और रोल ऑफ प्रोपरनिन। प्रोपरनिन मैम ये वो चले ठीक है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है इकरा रफीक। इकरा रफीक है कोई? अच्छा आप लोग पढ़ के नहीं आए ठीक से, अल्टरनेटिव क्लासिकल को मिक्स करी जा रहे हैं, पूछती में कुछ हूँ जवाब आप लोग कहीं और से दे रहे होते हैं।
इकरा रफीक अनम्यूट हो जाएं। इकरा रहमान। यस मैम। आप मुझे बताएं सी फाइव कन्वर्टेज क्या होता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, मैं किस पे थी? इकरा रहमान। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताएंगी एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स किस पाथवे में बनता है? क्लासिकल पाथवे में। कौन सी एंटीबॉडी हो सकती है? आईजीएम और आईजीजी। What is the role of complement system in diseases? मैम रिपीट करते हैं, आवाज नहीं आपकी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का डिजीजेस, कौन से डिजीजेस में इन्वॉल्व हो सकता है या कौन से रिएक्शंस में हो सकता है? कैन यू नेम इट? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कौन से डिजीजेस कॉज कर सकती है? नहीं, डिजीजेस कॉज तो नहीं करेगी ना, कॉम्प्लीमेंट डिफेंस सिस्टम है। किस डिजीज में, किस इन्फेक्शन में या किस रिएक्शन में हो सकता है, कोई एक दो बता दें। इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, तब हो सकता है ये एक्टिवेट, इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, और व्हाट इज मैक, मेम्ब्रेन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, इसका रोल बताना आपने। मेम्ब्रेन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, ये C5B बाइंड होगा C6 के साथ, फिर C6 C5B एक्टिवेट कर देंगे C6 को, विच एक्टिवेट C7, वो फर्दर C8 और C9 को एक्टिवेट कर देगी, तो ये फिर सर्कुलर कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और इसका रोल क्या है या इसका फंक्शन क्या है? It causes cytolysis में ये होता है हमारा। What is it causes loss of cellular contents. इसमें in which cytoplasm can rushes out of and water rushes in. The cells जो cell the cells inner integrity is lost and it dies. चलें, ठीक है, आप जा सकती हैं। इकरा रफीक है यहाँ पर? इकरा रफीक है तो सही, लेकिन सामने नहीं आ। इकरा तबस्सुम। इकरा तबस्सुम। यस मैम। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोपरडीन इन अल्टरनेटिव पाथवे? प्रोपरडीन जो होता है वो स्टेबलाइज करता है कन्वर्टेज एंजाइम को। C5 कन्वर्टेज कैसे बनता है? C5 convertase basically formed by the binding of the C3B with the factor B. C3B कितने होते हैं इसमें? C3B इसमें 2 आएंगे, मतलब C3B, factor B का B component और C3B. ठीक है, शुक्र है किसी ने बताया। और आप मुझे बताएं कि व्हाट इज लेक्टिन पाथवे,
लेक्टिन पाथवे बेसिकली ये होता है कि जो लेक्टिन प्रोटीन होता है जी, प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो लेक्टिन के साथ बाइंड करती है, लेक्टिन ने फर्दर बाइंड इस कॉम्प्लेक्स में फर्दर बाइंड करना होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, जो कि किसी भी पैथोजन के ऊपर लगा होता है उसकी सरफेस के ऊपर। वो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, या कोई फंगल भी हो सकता है। तो इन इसने ये सारे कॉम्प्लेक्स ने जाके एक्टिवेट कर देना है सी वन को, फिर आगे से नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो बेसिकली एम ए एस पी वन प्लस एम ए एस पी टू मिलके सी वन बनाते हैं। चले ठीक है, गुड, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है इरम सईद। इरम जी मैम अनम्यूट करें। जी मैम जी मैम आवाज नहीं आई आपकी। व्हाट इज ऑप्शनाइजेशन मैम? इसमें सेल की फेगोसाइटेशन इंक्रीज हो जाती है 100 टाइम्स फोल्ड, ये बैक्टीरिया सरफेस से अटैच हो जाते हैं। कैसे होती है ऑप्शनाइजेशन? What is the role of opsonin? जी मैम, मैम जब बैक्टीरिया सरफेस के रोल ऑफ ऑप्शनिन मैम जब बैक्टीरिया सरफेस के साथ बाइंड हो जाता है ऑप्शनिन तो उसकी फैगोसाइटेशन इंक्रीज हो जाती है 100 टाइम्स 1000 टाइम्स फोल्ड। मुझे ये बताएं नेम टू कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स that are involved in histamine release, दो बताने आप। C3K मैम, C3A and 5A। ठीक है, आप मुझे बताएं what is MASP 1 and 2, इनका रोल बताना है आपने क्या है। मैम ये C1 को बाइंड करके C1 को प्रोड्यूस करते हैं, C1 बनते हैं जब ये बाइंड हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं। मैम नेक्स्ट ग्रुप है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और स्टमक इफेक्ट्स। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही। क्रॉनिक टू को उसमें अब्दुल हनान अरशद है सबसे पहले। आवाज आई है? यस मैम आप आई है। अच्छा अनम्यूट हो गए या कि नहीं? यस मैम हो गए। अब्दुल हनान यस मैम, आप मुझे बताएं व्हाट आर मैक्रोफेजेस? मैम मैक्रोफेजेस आर द टिश्यू सेल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस आर द टिश्यू सेल्स दैट डिराइव्ड फ्रॉम hematopoietic stem cells of the bone marrow and from progenitors in the embryo yolk cell. What is neutrophilia? Then in neutrophilia there is increased number of neutrophils which leads to bacterial infection. Parasitic infection mein kaun se WBCs raised hote hain? Name WBCs. हाँ WBCs white blood cells. Parasitic infection में कौन से वाला आएगा जो raised होगा? Viral infection में क्या होगा?
चले आप मुझे बता दे व्हाट इज ग्रैनुलोमा. मैम इट इज अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमास. ग्रैनुलोमा क्या होता है, किस चीज का बना हुआ होता है, सेल्स कौन से हैं ये बताएं ना. मैम ग्रैनुलोमा इज अ कलेक्शन ऑफ इम्यून नो ग्रैनुलोमा इज अ मैम इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन. The collection of immune cells is known as macrophages. Macrophages के अलावा भी कोई सेल होंगे ग्रैनुलोमा में? No, ma'am. Granulomatous inflammation की example किस डिजीज में? नेक्स्ट है खतीदा शकील. खतीदा शकील खतीजा जफर. यस मैम. बच्चा आप मुझे बताएं व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रैनुलोमा. मैम कंपोनेंट्स ऑफ ग्रैनुलोमा में पहले तो सेंट्रली प्लेस नेक्रोसिस होता है, फिर आउटर लेयर ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है, उसके अलावा इट इज सराउंडेड बाय एपिथेलोइड सेल्स जिनको हम एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, एंड दे आर आल्सो सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद इसमें एपिथेलोइड, उसके बाद इसमें प्लाज्मा सेल्स और जायंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर लैंगहैम जायंट सेल्स, बनते कैसे? जो हिस्टियोसाइट्स होते हैं, हिस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलोंगेट करते हैं तो फिर जायंट सेल्स बनते हैं, मतलब मैस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, फ्यूज करते हैं हिस्टियोसाइट्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड फिर जायंट सेल्स बनते हैं. चलिए मुझे ये बताएं फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा क्या होता है. फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा होता है कि इसमें जो मटेरियल होता है सच एज सूचर्स और फाइबर होता है दैट आर लार्ज इनफ टू प्रीक्लूड फैगोसाइटोसिस बाय सिंगल मैक्रोफेज, मतलब उस मटेरियल के इर्द गिर्द फैगोसाइटोसिस हो जाए और वो लार्ज इनफ हो तो उसे हम फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा कहते हैं. चलिए ठीक है आप जा सकते हैं. नेक्स्ट है किरण मुस्तफा. यस मैम. आप मुझे बताएं व्हाट आर इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. मैम उसमें बैक्टीरियल कॉजेज भी हो सकते हैं, फंजल भी हो सकते हैं, उसके अलावा उसके अदर मिसेलिनियस होते हैं जिनमें जो होते हैं ना बैक्टीरियल उसमें आ जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है, साइफिल आ जाता है और लिप्रोसी आ जाता है जिस, और उसके बाद जो है सॉरी वो फंजल उसमें आ जाता है क्रिप्टोकोकल और जो है यस मैम पैरासिटिक इन्फेक्शन की एक एग्जांपल बता दें. मैम शिस्टोसोमियाज होते हैं. चलिए ठीक है आप जा सकते हैं. नेक्स्ट है कोमल. यस मैम. बच्चा आप मुझे बताएं व्हाट आर मास सेल्स. Mast cells are the cells, syncytial cells widely distributed in connective tissue throughout the body. They participate in both acute and chronic inflammatory responses. And their response occur during allergic reaction to food or drugs, etc. इसके साथ एक एंटीबॉडी एसोसिएटेड होती है, वो कौन से टाइप की होगी? इम्यूनोग्लोबुलिन IgE एंटीबॉडीज.
ठीक है, मोनोसाइट्स क्या होते हैं? मोनोसाइट्स मैम, अच्छा आप मुझे बताएं, व्हाट आर कफर सेल्स? कफर सेल्स दे आर प्रेजेंट इन लिवर, मैक्रोफेजेस होती हैं जिसमें उसकी स्पेसिफिक आगे डिफरेंट ऑर्गन्स में उनकी डिफरेंट लोकेशंस आ जाती हैं और कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लिवर। चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है कुनैन। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चा आप मुझे बताएं, व्हाट इज इओसिनोफिलिया? मैम इओसिनोफिलिया क्रिटिकली फाउंड होते हैं इन्फ्लेमेटरी साइट्स पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में एज अ पार्ट ऑफ इम्यून रिएक्शन में। इओसिनोफिलिया में कौन से सेल्स होते हैं? मैम इसमें सेल्स इओसिनोफिलिया जो होती है ना, दैट इज द टर्म, ठीक है जी, तो उसमें कौन सा सेल है जो रेज्ड होते हैं? मस्ट सेल्स होते हैं। मस्ट सेल्स होते हैं। अच्छा आईजीई जो एंटीबॉडी होती है जी, वो आपके किन सेल से एसोसिएटेड होती है? डब्ल्यूबीसी एलर्जिक रिएक्शंस में मैम, एक तो आपके इजिनोफिल्स में ये होते हैं आईजी एज अ एंटी वो एंटीबॉडीज के तौर पर एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और दूसरा आपके पास होता है आपके लिम्फोसाइट्स में, ओ सॉरी मैम लिम्फोसाइट्स में नहीं, दूसरा होता है आपके मास्ट सेल्स में। हाँ जी, आप मुझे बताएं ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में जो ग्रैनुलोमा बनता है उसमें WBCs कौन कौन से हो सकते हैं? नेम देम। WBCs में ल्यूकोसाइट्स, अच्छा और उसमें हो सकते हैं मैक्रोफेजिस, अच्छा और और लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स भी मौजूद होते हैं उसमें मैम। हाँ आप मुझे बताएं एपिथेलॉइड सेल क्या होता है? एपिथेलॉइड सेल्स में जो जो मैक्रोफेजिस जो आपके ग्रैनुलोमस में जो मैक्रोफेजिस होते हैं उसको हम रिफर करते हैं एज एन एपिथेलॉइड, क्योंकि ये मैक्रोफेजिस के जो एपिथेलियल सेल्स से रिजेंबल करते हैं इस वजह से। चलो अच्छा चले ठीक है, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद उबैदुल्ला। मोहम्मद उबैदुल्ला है यहाँ पे? जी मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई नो दैट बट आई हैव टू मैनेज। मोहम्मद उबैदुल्ला नहीं है। नेक्स्ट है माहम, माहम जुल्फिकार होंगी, ये 01। यस मैम, यस मैम। बच्चे आप मुझे बताएं, व्हाट आर लांगहैन सेल्स? मैम जो हमारे हिस्टियोसाइट्स होते हैं ना, जब वो फ्यूज करते हैं ना ग्रैनुलोमा में, तो वो एक फ्यूज करके जो बनाते हैं ना स्ट्रक्चर, उसे हम लोग जॉइंट सेल्स कहते हैं। एपिथेलॉइड सेल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैम वो उनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो हमारे पास न्यूक्लियस जो एलोंगेट होता है और उसकी हॉर्सशू टाइप जो है रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोमा? मैम टू टाइप्स होती हैं, एक फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा होता है और एक हमारे पास इम्यून ग्रैनुलोमा होते हैं। जो फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा होते हैं ना उसमें इम्यून क्या होता है? मैम इनसोल्युबल पार्टिकल जब आ जाते हैं ना और हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इनकैपेबल हो जाता है उसको, दैट आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ग्रैनुलोमा बना देता है, जो कि व्हेन स्टिमुलेशन
ग्रंट इज पोवर्ली सोल्यूबल और पार्टिकल, मतलब इनसोल्यूबल जब कोई कंपोनेंट आते ना तब होते ये वाला। चलिए ठीक है गुड, हम जा सकती हैं। नेक्स्ट है माहम जाहिद। यस मैम। अच्छा मुझे बताएं व्हाट इज इयोसिनोफिलिया। Eosinophilia characteristically found around, during inflammation around parasitic infection. Name the cells that are raised in eosinophilia. Cells, ma'am, इसमें कौन सा होता? Ma'am, इसमें वो IG antibody. IG typically associated. Infection. इन्फ्लेमेशन में रोल होता है ना उनका, तो वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। पेशन में इन्वॉल्व होते हैं राइट, तो वो क्या रिलीज करवाते हैं? मैम सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे समझ नहीं आई। अभी भी नहीं आवाज आ रही। नो मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ कर नहीं सकते। मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। मैम नहीं आ रही आवाज। बच्चों आवाज आ रही है? नो मैम। मैम कट कट के मैम हल्की आ रही है लेकिन कट के आ रही है आवाज आपकी। जब इस वक्त में इसके अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं अभी भी कट के आ रही है। अच्छा महीन रऊफ है यहाँ पे। यस मैम। बच्चा आपको आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। मैम अब आ रही है। चल मुझे बता दें व्हाट इज ग्रैनुलोमा। मैम मैं बताऊं? मैम मैम कैसे पूछा आपने? मैम मेरा जिसने पूछा है वो बताएगा। मैं वाइवा ले रही हूं। यस मैम मैं महीन बता रही हूं। मैम खत्म हो गया। मैम इट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मड ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन एंड इट इज फाउंड इन मेनी डिजीजेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ द इम्यून सेल्स नोन एज मैक्रोफेजेस एंड ग्रैनुलोमास आर फॉर्मड व्हेन द इम्यून सिस्टम्स अटेम्प्ट टू वॉल ऑफ सब्सटेंसेस व्हेन इट परसीव्स इट एज अ फॉरेन बट इट इज अनएबल टू एलिमिनेट इट। बच्चे मुझे ये बताएं। यस मैम। मैक्रोफेजेस के अलावा भी कोई? यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैक्रोफेजेस के अलावा कोई सेल्स हैं ग्रैनुलोमा के अंदर? यस मैम लिम्फोसाइट्स हैं और प्लाज्मा सेल्स हैं। ठीक है आप मुझे बताएं व्हाट इज कैविट्री लीजन। मैम इसमें ये होता है कि ना जब एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो जाती है ना तो वो जो है सारा नेक्रोटिक कोर का वो ड्रेन आउट कर देता है और इस तरह से जो है ना वो एक कैविटी सी फॉर्मेशन हो जाती है। चलें ठीक है आप जा सकती हैं। ओके मैम। नेक्स्ट है महनूर खान। यस मैम। बच्चा आप मुझे बताएं व्हाट इज लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस इंक्रीज जिसमें नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और ये वायरल इन्फेक्शन इंडिकेट करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन से सेल्स इंक्रीज होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन से सेल्स होंगे? इयोसिनोफिल्स।
एग्जैक्टली मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ, इयोसिनोफिलिया क्या होता है, कौन से, मतलब उसके नेम से पता चल रहा है, इयोसिनोफिल्स होते हैं, बट वो स्लाइड में कहीं लिखा नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह मैं पूछ रही हूँ, तो वो लोगों को आ ही नहीं रहा, इट्स वेरी बैड. चलें ठीक है मानूर, गुड, आप जा सकती हैं. नेक्स्ट है मिनाहिल गुल. यस मैम. बच्चे आप मुझे बताएं व्हाट आर एक्यूट फेस प्रोटीन्स. मैम एक्यूट फेस प्रोटीन्स होती हैं जो एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं. नाम क्या है इनके, कोई आते हैं आपको, कौन कौन से हो सकते हैं. मैम प्रोटीन्स के नाम नहीं आते. अच्छा बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज ईएसआर. मैम ईएसआर जो होते हैं वो इन्फेक्शन को हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ये मैम, जब हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह कॉज होते हैं तो ईएसआर वगैरह ईएसआर भी इसी तरह बढ़ता है या कम होता है इन्फेक्शन ड्यू टू इन्फेक्शन. होता क्या है इसमें, किसकी बात, किसका एब्रिवेशन है. अच्छा बच्चा आप मुझे बता दें व्हाट आर मैक्रोफेजेस. मैम ये टिश्यूज होते हैं, ये हीमाटोपोएटिक स्टेम सेल से डिराइव होते हैं, बोन मैरो के अंदर होते हैं एंड फ्रॉम प्रोटियोसाइट्स. मोनोसाइट सर्कुलेटरी सर्कुलेटिंग सेल्स होते हैं जो कि मैक्रोफेज के लीनियज के अंदर प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स. एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं. मैम एपिथेलॉइड सेल्स जो होते हैं वो लैंगहैन सेल्स क्या होते हैं. मैम एक मिनट, लैंगहैन सेल्स जो होते हैं वो हिस्टोसाइट्स की जो होते हैं वो सेल्स फ्यूज करते हैं और वो फॉर्म करते हैं लैंगहैन सेल्स जॉइंट सेल्स को. चलें ठीक है बच्चा आप जा सकती हैं. नेक्स्ट है मिनाहिल काशिफ. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. बच्चा आप मुझे बताएं व्हाट इज एक्यूट फेज रिएक्शन. यस मैम. एक्यूट फेज रिएक्शन क्या होता है. एक्यूट फेज रिएक्शन मैम ये सिस्टमैटिक का पार्ट मैं से पूछ रही है ना. मुझे एक्यूट फेज मैम ये होता है साइटोकाइनेसिस जो प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट में से टीएनएफ में से 1L1 में से 2 और 2L6 क्या होता है. यस मैम साइटोकाइन्स. बच्चे साइटोकाइनेसिस इज वेरी डिफरेंट टर्म. चलिए बताएं. मैम साइटोकाइनेसिस मैम ये वो तो नहीं होता जो लीकोसाइट्स में से होता है जो 1L6 में से होता है और मीडिएटर्स होते हैं सिस्टमैटिक इफेक्ट को जो करता है. चलिए आप बच्चे मुझे ये बताएं एक्यूट फेस प्रोटीन्स कौन से होते हैं, दो बता दें. मैम फाइब्रोजन एंड सीआरपी एंड सीरम अमाइलॉइड. ये क्या शो करते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन. मैम बेसिकली ये जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं 100 ऑफ द टाइम फोल्ड्स में और रिस्पॉन्स करते हैं फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई को.
ये बनाते कहाँ पे, बनते कहाँ पे हैं? मैम लिवर में? चलें ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है जी मारिया हारून। यस मैम। कोई मारिया हारून हो? जी जी मैम। अच्छा आप मुझे क्या बताएंगे? मारिया हारून। यस मैम। कैविटेटरी लीजन क्या होती है? कैविटेटरी लीजन मैम कैविटीज से जो लीजन होती है उसे कैविटेटरी लीजन ही बोलेंगे। बच्चे ये तो आपने नर्सरी के बच्चों वाला जवाब दिया मुझे है। अच्छा आप मुझे बताएं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रैनुलोमा। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रैनुलोमा सेंट्रली प्लेस्ड नेक्रोसिस सराउंडेड बाय एपिथेलॉइड सेल्स एंड आउटर लेयर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल में बी प्रेजेंट फ्यू जॉइंट सेल प्रेजेंट एंड सराउंडेड बाय फाइब्रिल एंड कनेक्टिव टिश्यू। What are epithelioid cells? What are epithelioid cells? मैम ये टीबी की ना माइक्रोस्कोपी अगर करें ना तो उसमें थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। उसमें एक एपिथेलॉइड सेल्स की मतलब उसमें सीन होती है तो उसमें एपिथेलॉइड एक सेल होते हैं। उसमें आधे पिंक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है उसका और एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस और दैट्स ऑल। मुझे ये बताएं कि आईजी एंटीबॉडी किस रिएक्शन में टिपिकली आती है? मैम ये मास्ट सेल में होती है। मास्ट सेल जी मैंने सेल नहीं पूछा, मैं पूछ रही हूँ कि किस डिजीज में या किस रिएक्शन में ये होगी, किस इन्फेक्शन में रेज्ड होती है? एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट है मारिया मंशा। मैम मैं लीव कर दूं? हाँ जी हम कर सकते हैं। मारिया मंशा मरियम अब्बास। यस मैम। आपसे मैं क्या पूछूं? आप ना मुझे एग्जांपल्स बता दें जिसमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी। डिजीजेस? हाँ डिजीजेस बता। ट्यूबरकुलोसिस में होती है? चार बता। ट्यूबरकुलोसिस में होगी, इसके अलावा मैम होती है साइफिलिस और लेप्रोसी, साइफिलिस, टीबी। लेप्रेसी बताया आपने, टीबी बताया और सार्कोइडोसिस। ठीक है और एक और बता दें। और मैम उसमें सिस्टो। अच्छा मैम आपकी आवाज कट रही है। बताएं टीबी के अंदर लिम्फ नोड की अपीयरेंस कैसी होती है? टीबी के अंदर लिम्फ नोड की अपीयरेंस कैसे होती है? अमॉर्फस जो भी इसके स्ट्रक्चर होता है वो बताना है आपने। आपकी आवाज करते हैं दोबारा। अच्छा बच्चे बता तो दिया आपको क्वेश्चन, आपने खुद ही रिपीट किया है। बताएं मुझे lymph node in TB, how does it appear? TB में मैम lymph node कैसे होगी? मैम ये schematic appearance अलावा मैम center जी मैम schematic appearance होती है, center जो होगा मैम वो चीजी necrotic material से fill होगा। ठीक है आप मुझे बताएं what are epithelioid cells?
एपिथेलियल सेल्स मैम एपिथेलियल सेल्स मैम ये स्लिपर शेप इनका न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा मैम इनका जो पिंक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, और मैम मैक्रोफेज जो ग्रैनुलोमास में होता है उनको हम चले ठीक है आप जा सकती हैं। अब्दुल रजाक यहाँ पर है या नहीं? उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि मेरा ये मसला हो गया था, बट वो यहाँ पर नहीं है इस वक्त। हुसैन अहमद ने वाइवा नहीं दिया मुझे अभी तक। हेलो बच्चा आप किधर थे? मैं वाइवा ले रही थी आपके ग्रुप का। मैं मेरा नेट का इशू चल रहा था इसलिए नहीं ऑन बार बार। बताएं व्हाट इज सीटी कन्वर्टर्स? की आवाज कट रही है। C3 कन्वर्टेज बताएं मुझे। मैं मुझे समझ आ रहा। आवाज आ रही है? मैम अब आई है। मुझे आपने बताना है व्हाट इज अल्टरनेटिव पाथवेज के स्टेप्स बताएं। इसका स्टेप्स अल्टरनेटिव पाथवे मैम इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट हैं मैम? C3 फैक्टर बी फैक्टर डी एंड था प्रोपर्डिन। बच्चे C5 कन्वर्टेज कैसे बनता है? C5 हाँ जी मैम ये नहीं आता। व्हाट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स? मुझे जवाब दिए मैम आपकी बात नहीं आई मुझे। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? साइटोलाइसिस होता है सर्कल मेम्ब्रेन अटैक एज अ चैनल इन व्हिच साइटोप्लाज्म कैन रश आउट ऑफ वाटर। कैन रश आउट ऑफ वाटर जी दे रहे हैं। व्हाट इज ऑप्शनाइजेशन? पढ़ के नहीं आए हुए आप। मैम ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जैसे एक पार्ट। व्हाट इज ऑप्शनाइजेशन जी? ऑप्शनाइजेशन क्या है? क्या है ये मैकेनिज्म? क्या होता है इसमें? ये पार्ट है इसका। अच्छा आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो मेरा नंबर देने का भी दिल नहीं कर रहा इस तरह हम जवाब दे रहे हैं। मेरी बैग बुखार हो गया था मुझे। पिछले और कोई बच्चा रह गया जिसके ना हुआ वाइवा? इकरा रफीक थी यहाँ पे जो बस अंदर पार्टिसिपेंट हैं लेकिन या तो वो सो रही हैं या फिर नो मैम आन दे। हाँ बच्चा आप किधर हैं इतनी देर से? आप अनम्यूट ही नहीं होती। नो मैम मैं जस्ट रूम में नहीं थी मैं जाग रही थी। नहीं आपसे मैं वाइवा जब ले रही थी आप किधर थी? आपका ग्रुप कब का गुजर गया हुआ? मैं जस्ट रूम में नहीं थी मैं बता रही। क्यों नहीं थे रूम में जब आपने क्लास के लिए बाहर गई थी? मैं ये लेक्चर आप इसलिए लेती हैं कि आपने बाहर चले जाना होता है
थी, मैं काफी देर से इधर ही हूँ। You should have waited for your turn. कब आता है? अब आप मुझे बताएं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस पाथवे में बनते हैं? मैम ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेक्स्ट लेक्चर में ले ले। मैम मुझे पता नहीं था कि मेरे ग्रुप का, मैं लास्ट टाइम मैंने लेक्चर लिया नहीं एक्चुअली। मैंने तो आप लोगों को मेल किया था। नहीं मैम सॉरी, मैंने रिसीव नहीं की। क्यों नहीं रिसीव? मुझे आपकी मेल आती है लेकिन वैसे वायरस से रिलेटेड मुझे नहीं आई। कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई विल चेक इट, और अगर आपको मेल गई भी तो फिर मैं भी चेक करती हूँ क्योंकि मैंने वाकई नहीं देखी। I'll check it. अगर आपको मेल गई भी है तो फिर आपके मार्क्स जीरो ही लगेंगे। नो मैम, चलिए मैं देख लेती हूँ। वैसे मैंने मैम श्योर कि नहीं आई मुझे मेल। चलिए मैं देख लेती हूँ, आपको इशू है अगर ऐसा। अगर आपको मेल नहीं गई मेरी तरफ से तो आई विल अकोमोडेट। ठीक है? ओके मैम। चलिए ठीक है बच्चों। मैम आप बता दें आप नेक्स्ट क्लास में कौन से लेक्चर्स का लेंगी? मैं इंशाल्लाह जरूर आपकी मेल्स देखनी होती हैं और आपका मैं चेक करूंगी। अगर आपको मेल गई भी है तो मैंने आपका वाइवा दोबारा नहीं लेना। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़।